ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कम्युनिटी की डेफिनेशन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कम्युनिटी क्या होती है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ सम टाइप ऑफ बॉन्ड, हु इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हु फंक्शन कलेक्टिवली रिगार्डिंग द कॉमन कंसर्न। ठीक है, क्या होता है कम्युनिटी? क्या होती है? इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं हु शेयर सम टाइप ऑफ बॉन्ड, जो क्या करते हैं, सम टाइप के बॉन्ड को शेयर करते हैं। ठीक है, और हु इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। कम्युनिटी में जो भी पर्सन रहता है वो क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, और सम टाइप का उसमें बॉन्ड होता है, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। और हु फंक्शन कलेक्टिवली रिगार्डिंग द कॉमन कंसर्न, वो क्या करते हैं, जो फंक्शन बिल्कुल भी कलेक्ट होकर क्या करते हैं, एकदम से फंक्शन करते हैं कोई भी रिगार्डिंग द कॉमन कंसर्न के रिगार्डिंग हो गया या फिर कॉमन गोल के रिगार्डिंग। आया समझ में? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, जिनमें क्या होता है, सम टाइप का बॉन्ड होता है। ठीक है, बॉन्ड होता है सम टाइप का, और वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं ईच अदर से और फंक्शन करते हैं किसी भी कॉमन कंसर्न के रिगार्डिंग या फिर गोल के लिए। ये डेफिनेशन दी थी ग्रीन एंड एंडरसन ने 1986 में। सेकंड डेफिनेशन देखेंगे कम्युनिटी की, कि कम्युनिटी की कौन सी क्या होती है। ए कम्युनिटी इज़ अ डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग इंटीमेसी, इनफॉर्मल रिलेशनशिप, इनफॉर्मल रिलेशन, कॉमन कल्चर एंड लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल बाउंड्री एंड एरिया। क्या होता है कम्युनिटी? इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और हैविंग इंटीमेसी, मतलब जो जो एक तरह से होता है ना कि एक तो सोशल रिलेशनशिप हो गया, एक इंटीमेसी हो गया, मतलब एक दूसरे के लिए क्या बोलते हैं, भाव बोल सकते एक तरह से। ठीक है, वो फील्स वगैरह ये हो सकती है, भावनाएं, तो इंटीमेसी होती है। और इनफॉर्मल रिलेशनशिप, इनफॉर्मल रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि अपन फॉर्मल रिलेशनशिप में जब कोई वर्क होता है तभी अपन होकर, इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है। और कॉमन कल्चर होता है, जैसे कॉमन कल्चर एक कोई भी अगर कोई भी मतलब कोई भी कम्युनिटी हो गई तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई किसी कम्युनिटी में ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, कोई जो होता है हिंदू के जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, कोई सी कम्युनिटी में जो सिख वगैरह होता है वो फॉलो करते हैं उसके नियम कानून। तो उसमें ये कि भाई आप कम्युनिटी कब उसको कब बोलेंगे, ऐसा नहीं कि वो एक दिन आया, जैसे कोई रूम किराएदार आ रहा है तो वो एक दिन रह रहा है कॉलोनी में फिर छोड़ के जा रहा है, तो उसको हम नहीं बोलेंगे कम्युनिटी, उसको बोलेंगे जो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहता है और इंटीमेसी होती है, और वो क्या करता है, एक साथ रहते हैं पर्टिकुलर कोई भी बाउंड्री वगैरह या फिर जियोग्राफिकल एरिया में, उसी को हम कम्युनिटी बोलेंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ। ही मीन्स द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, प्रॉब्लम अफेक्ट द हेल्थ एंड हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है? कम्युनिटी हेल्थ जैसे कम्युनिटी तो समझ में आ गया कि ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं किसी जोग्राफिकल एरिया में। तो कम्युनिटी हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ हेल्थ, ये एक तरह की हेल्थ है, स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द मेंबर, मतलब जो कम्युनिटी में जो रहने वाले पीपल हैं या फिर कम्युनिटी के मेंबर हैं उनकी क्या होती है, हेल्थ है उसके बारे में कम्युनिटी तो क्या करती है, कम्युनिटी प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर है, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है कम्युनिटी के पीपल में या मेंबर्स में जो क्या कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम जो क्या करती है, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करती है वो, और हेल्थ फैसिलिटी और कौन सी ऐसी हेल्थ फैसिलिटी है जो क्या करती है कम्युनिटी को पीपल को अवेलेबल कराती। तो कम्युनिटी हेल्थ में यही ऐसे कि हेल्थ क्या स्टेट है जिसमें क्या होता है कम्युनिटी मेंबर की जो हेल्थ के ऑन लग जाती है, और प्रॉब्लम ऐसी कौन सी प्रॉब्लम जो क्या करती है अफेक्ट करती है कम्युनिटी की हेल्थ, और सारी हेल्थ फैसिलिटी क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ में, तभी वो क्या करती है एक हेल्थी कम्युनिटी मेंबर रहेगा। तो यही है कि कम्युनिटी हेल्थ की डेफिनेशन। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है? इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच। ये क्या होती है? एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच होती है। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स अपन मान सकते हैं प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव और प्रोमोटिव केयर। ठीक है, ये चारों मिलकर क्या करती है, कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच है नर्सिंग की, जो विच
विच डील्स विद द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नर्सिंग नीड, नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्लानिंग एंड नर्सिंग इंटरवेंशन एंड नर्सिंग केयर ऑफ एंड इट इवेलुएशन टू द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ कोलाब्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द नर्सिंग पब्लिक हेल्थ मेजर इन द फ्रेमवर्क ऑफ द टोटल कम्युनिटी हेल्थ एफर्ट. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच है नर्सिंग की, जिसमें क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जो नर्सिंग की नीड, जैसे कम्युनिटी में किसी पेशेंट की क्या नीड है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है, कि कम्युनिटी के पीपल में क्या क्या नीड है कोई भी हेल्थ फैसिलिटी के लिए. और नर्सिंग असेसमेंट कम्युनिटी में जो क्या करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, एक तरह से कम्युनिटी में जाके क्या करती है, नर्सिंग असेसमेंट का करती है वो, और लोगों का हेल्थ स्क्रीनिंग के थ्रू वगैरह, तो वो क्या करती है, एक तरह से हेल्थ स्क्रीनिंग के थ्रू असेसमेंट करती है. फिर वो क्या करती है, अगर लोगों को कोई भी असेसमेंट करके अगर उसको कोई भी पॉजिटिव फैक्टर या रिस्क फैक्टर लगता है तो उसके लिए वो क्या करती है, डायग्नोसिस बनाती है, ठीक है, डायग्नोसिस बनाती है. उसके बाद में क्या करती है, डायग्नोसिस बनाने के बाद वो क्या करती है, जो नर्सिंग केयर प्लान उसने डायग्नोसिस बनाया उसके लिए वो प्लानिंग करती है कि ऐसी कौन कौन सी वो प्लान करके क्या करते हैं, जो कम्युनिटी में जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स है या फिर डिजीज़ है या फिर कोई भी कॉजेज वगैरह हो गया, तो उसके लिए क्या करती है, वो प्लानिंग करती है कि उसको कैसे प्रिवेंट कर सके अपन. और फिर वो क्या करती है, जो भी उसने प्लान किया है उसको वो क्या करती है, इंटरवेंशन करती है और इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है. वो क्या करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सबसे पहले तो असेसमेंट करती है, उसके बाद क्या करती है, वो डायग्नोसिस करती है, देन उसके बाद में क्या करती है, प्लानिंग करती है और इंटरवेंशन और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है. फिर इसमें एंड इवोल्यूशन टू द इंडिविजुअल एंड फैमिली, जो भी उसने नर्सिंग मतलब जो भी उसने केयर की है पेशेंट या फिर कम्युनिटी मेंबर की, उनके नीड क्या होती, तो वो क्या करती है, वापस इवोल्यूशन उसका देखती है कि जो भी उसने नर्सिंग मतलब जो उसने प्लान बनाया है और इम्प्लीमेंट किया है उसका इवोल्यूशन क्या है, पेशेंट में उसमें थोड़ी सुधार आया है या फिर कोई भी जो भी उसने प्लान किया वो इफेक्टिव वे में है या नहीं है, वो सब चीज़ का इवोल्यूशन करती है कि फैमिली में, ठीक है. फिर फैमिली मेंबर में भी ये अप्लाई करती है, फिर वो कम्युनिटी में. यही है कि कम्युनिटी नर्सिंग क्या होती है, कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच है नर्सिंग की, जो डील करती है रिकॉग्नाइजेशन नर्सिंग नीड को डील करती है, उसमें असेसमेंट करती है, डायग्नोसिस करती है, प्लानिंग करती है, इंटरवेंशन देती है और नर्सिंग केयर और इवैल्यूएशन करती है इंडिविजुअल फैमिली और कम्युनिटी का. फिर देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ कोलाब्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ. वो क्या करती है, कम्युनिटी कोलाब्रेशन है नर्सिंग हेल्थ का और पब्लिक हेल्थ, क्योंकि नर्सिंग एक तो मेडिकल स्टाफ मिलके और नर्सिंग जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है और एक पब्लिक हेल्थ, दोनों मिलके क्या करती है, जो हेल्थ मेजर है उनका फ्रेमवर्क बनाती है. जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या करती है, एक तरह से हेल्थ का फ्रेमवर्क बनाएगी वो, तो टोटल कम्युनिटी की जो हेल्थ है उसके लिए वो क्या क्या एफर्ट लगाएगी, तो उसके लिए वही होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करती है, जो पब्लिक हेल्थ के मेज़र है ऐसे कौन कौन से मेज़र है उनको बताती है, उसमें क्या करती है, हेल्थ एजुकेशन के थ्रू कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोवाइड कर देती, और जो भी आने वाले जो कम्युनिटी में जो प्रोग्राम वगैरह है उनके बारे में वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो गाइड करती है और लोगों को बताती कि है ये हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी है और इस टाइप की हेल्थ है, और ऐसा बहुत सारे एफर्ट लगाती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो कम्युनिटी में जो लोग पीपल रह रहे हैं उनके उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर कोई भी कॉजेज या रिस्क फैक्टर है, ठीक है, और उनको हेल्थ हाइजीन के थ्रू बताया जाता है कि हेल्थ हाइजीन या हैंड वॉशिंग कैसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ को इम्प्रूव करने में, ठीक है. यही है कि वो ऐसे बहुत सारे हेल्थ मेजर क्या करती है, एक यूज़ फ्रेमवर्क बनाती है वो अपने वर्क में, ठीक है. और टोटल जो कम्युनिटी, ऐसा नहीं किसी कम्युनिटी में एक पर्सन को केयर दे रही, वो क्या करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूरी जो कम्युनिटी है उनके पीपल को क्या करती है, वो हेल्थ केयर जो प्रोवाइड कराती है. आया समझ में कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांच ऑफ नर्सिंग, डील विद द रिकॉग्नाइजेशन नर्सिंग नीड, असिसमेंट, प्लानिंग, इंटरवेंशन, नर्सिंग केयर एंड इट इवोल्यूशन टू द इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी. और कम्युनिटी हेल्थ से कोलाब्रेशन एप्लीकेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या करती है, कोलाब्रेशन एक एक तो नर्सिंग और मेडिकल डिपार्टमेंट का कोलाब्रेशन होता है और एक पब्लिक का जो कोलाब्रेशन होता है वो एक दोनों एक साथ मिलके क्या करते हैं, कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है. आया समझ में. आज का मेरा यही टॉपिक था कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी और कम्युनिटी क्या होती है उसके बारे में मैंने दो डेफिनेशन दी थी, फिर कम्युनिटी हेल्थ के बारे में बताया कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है उसके बारे में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन. आई होप आपको मेरा चैनल
वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको कोई भी टॉपिक के नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझको कमेंट करके बताइए, ठीक है. और जिस भी आपको कोई भी ऐसा टॉपिक पे ऐसा डाउट लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पे अगेन वीडियो बना दूँगी और अच्छे से समझाने की कोशिश कर लूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.